हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री कर्णी एकेडमी एजुटेक। कर्णी एकेडमी एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं दर्शन अरोड़ा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। कल की क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं आज अपन। लास्ट क्लास में अपन डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चन, जिसमें अपन ने देखा था डिटरमिनेंट की जो वैल्यूज होती है, कैसे चीजें प्रूव की जाती है, कैसे बिना एक्सपेंड किए डिटरमिनेंट को सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करने के बस तीन ही मेरे पास चीजें थी एक तरह से, कि सर रो को रो में कन्वर्ट किया जा सकता है, एक रो को दूसरी रो में इंटरचेंज कर सकते हैं, एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक रो में दूसरी रो को किसी नंबर के साथ में जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये पढ़ा था। जो बात रो के लिए लगती है वही बात सेम किसके लिए लगती है, कॉलम के लिए लगती है। तो आई थिंक रो एंड कॉलम आप दोनों ही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट ये रहता है कि प्रूव करना क्या है उस पर नजरें जमाई जाए। चलिए एक बार कल जो क्वेश्चन किया था उसको रिपीट करते हैं और समझाता हूं कैसे नजरें जमा सकते हैं आप लोग ऐसे क्वेश्चंस पे। चलिए रहा 1+a, डायगनल में 1+b है, डायगनल में 1+c है, ठीक है सर। अब सर मुझे चाहिए क्या, मुझे 1/a चाहिए, 1/b चाहिए, 1/c चाहिए। यहां पर कहीं भी 1/ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 1/ के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। मैंने कहा बनाना पड़ेगा। यदि बनाना है तो यहाँ पे a से डिवाइड करना पड़ेगा, और यदि a से डिवाइड किया तो a से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं आपको 1/a के फॉर्म में बनाना है तो जो मल्टीप्लाई किया है उसको बाहर रखेंगे। वैसे अगर आपको 1/b के रूप में बनाना है तो जो b है उसका जो डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो b बाहर रहेगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड वाला अंदर जाएगा। 1/c के अंदर क्या करेंगे, अगेन सेम काम रहेगा। तो ढंग से अगर आप देखें तो मेरे पास में क्या बन रहा है, तो मैंने कहा ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दो, और साथ ही साथ क्या कर देंगे, ए बी सी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अभी जो डिवाइड वाला है उसको थोड़ा ढंग से देखो, ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी सी से डिवाइड कर दिया। कहां डिवाइड वाला भेजा जाए कहां नहीं भेजा जाए वो भी जानना इंपॉर्टेंट है, कि सर अगर मैंने रो में डाल दिया तो क्या हो जाएगा, कॉलम में डाल दिया तो क्या हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई यदि आप कर देंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से ये a प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा, ये a बन जाएगा और ये a बन जाएगा। ऐसा होते ही ये 1/a, 1/b और 1/c आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। मैंने कहा abc अंदर भेजना है, तो जहां a वाली टर्म है ये मेरे पास, यहाँ a भेज सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आप क्या भेज सकते हैं, b भेज सकते हैं, लास्ट में क्या भेज सकते हैं, c भेज सकते हैं। ये abc बाहर रहा, क्योंकि abc बाहर चाहिए भी था। अंदर कितना है सर, ये a 1+a अपॉन a करेंगे, ढंग से देख लो यार, 1+a अपॉन a कितना होता है, 1/a प्लस a बाई a, मतलब कितना हुआ 1+1/a होता है। तो ये कितना आ गया 1+1/a, ये बीच वाला कितना आएगा 1+1/b, एंड द लास्ट वन इज क्या आएगा 1+1/c आएगा, ठीक है जी। फिर ये वन रहा, ये वन रहा, ये वन 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 एंड वन, ये सारे मेरे पास आ गए। अब सर मुझे चाहिए क्या, किस रूप में चाहिए। मैंने कहा 1/a चाहिए, 1/b भी चाहिए, 1/c भी चाहिए, सबको सब जोड़ में। तो मैंने कहा यदि अगर सबके सब जोड़ में चाहिए तो क्या कर सकते हैं, तो एक सिंपल पैंतरा आजमा सकते हैं आप लोग। सर ये क्या हो सकता है पैंतरा, सर वो क्या हो सकता है, थोड़ा ढंग से सोचे समझे और आगे उसके अंदर देखिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो क्या किया जा सकता है, अपन इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, सुनिएगा थोड़ा सा ढंग से। अगर यहाँ पे ये 1/a रहेगा, ये 1/a था, ये 1/b था, क्योंकि डिवाइड करना भी 1/b, ये 1/c और ये 1/c। चलिए अगला पैतरा क्या हो सकता है, मैंने कहा कि यदि मुझे 1/a, 1/b और 1/c चाहिए, तो बताइए कॉलम नंबर वन, इसकी बात कर रहा हूँ, क्या इसमें सब कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है। तो मैंने क्या, मैंने कहा इस कॉलम में चले जाओ, उस कॉलम में कौन कौन है, रो नंबर वन, रो नंबर टू और रो नंबर थ्री। तो रो वन के अंदर रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री कर दो, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये एबीसी ऑलरेडी बाहर टेकन है, रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री करना है। तो सुनिएगा ये 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और ये प्लस वन तो ऑलरेडी था ही वहां पे, ये 1/a, ये 1/b, ये 1/c, मतलब ये सेम टू सेम, ये भी चीज यहाँ पे आई, वापस ये चीज रिपीट हुई, और यहाँ पे भी जब मैं सबको ऐड किया तो मेरे पास ये बातें रिपीट हुई। ये कितना बना 1/b, ये 1+1/b एंड ये 1/b, लास्ट में 1/c, 1/c और 1+1/c रहा, क्लियर। अब मैंने कहा था मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट के अंदर क्या होता है, अगर किसी लाइन में से कोई चीज कॉमन लेने होती है तो वो एक जगह से ही कॉमन आती है, या तो वो रो से लेंगे या फिर वो कॉलम से लेंगे, जबकि
मैट्रिक्स के अंदर क्या होता था, सब पूरी जगह से आती थी। तो जब मैं यहाँ से कॉमन लूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा कॉमन, ढंग से यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, ऊपर क्या आ जाए, ए बी सी वन प्लस वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी कॉमन आ जाएगा। यहाँ कितना बच गया वन, यहाँ कितना बच गया वन, यहाँ कितना बच गया वन। चलिए आगे देखते हैं क्या बनेगा, अगले पेज पे देखते हैं क्या बनेगा। सो ए बी सी बाहर है, वन प्लस वन बाई ए वन बाई बी एंड वन बाई सी बाहर है। सर ये वन 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 आया, फिर क्या रहा, ये वन बाई बी, ये वन बाई बी प्लस वन एंड ये वन बाई बी आया, ये वन बाई सी, ये वन बाई सी और ये वन प्लस वन बाई सी आया। अब मैंने कहा मुझे तो यार ये वन 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 अगर दिख गया है तो मुझे कहाँ जाना है, मुझे वन जीरो जीरो पे जाना है, मुझे सौ नंबर डायल करने कुल मिला के। ठीक है, कैसे डायल होंगे, मैंने कहा यार फर्स्ट जगह तो वन ही रखो क्योंकि मुझे खोलने में आसानी रहेगी। मैंने कहा दूसरी जगह जीरो करना है और तीसरी जगह भी जीरो करना है, तो कैसे जीरो आएगा वो देखो एक बार, सोचना है और बस लिखना है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है इसके लिए। जब मैं दूसरी जगह जीरो लाने की कोशिश करूंगा, ये कॉलम टू ये कॉलम थ्री है, तो मुझे दूसरी जगह जीरो लाना है तो क्या कर सकता हूँ, सी टू माइनस सी वन कर सकता हूँ। मुझे तीसरी जगह भी जीरो लाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सी थ्री माइनस सी वन कर सकता हूँ। क्या सी वन में कोई चेंज आया क्या, नहीं आया, तो सी टू में गए सी टू माइनस सी वन किया, सी थ्री में गए सी थ्री माइनस सी वन किया, फर्स्ट वाला कॉलम चेंज हुआ बिल्कुल नहीं, सेकेंड वाले कॉलम सी टू माइनस सी वन किया वन माइनस वन जीरो हो गया, वन बाई बी प्लस वन किया और माइनस वन बाई बी किया तो कितना बना वन, और वन बाई सी माइनस वन बाई सी कितना हुआ जीरो रहा। ये वन में से वन सब्ट्रैक्ट किया, सी थ्री माइनस सी वन करना जीरो रहा, वन बाई बी सब्ट्रैक्ट किया मेरे पास ये भी कितना रहा जीरो रहा, एंड वन प्लस वन बाई सी और वन बाई सी सब्ट्रैक्ट करने में कितना रहा वन रहा। मैंने कहा यार, मैंने कहा ये दोनों तो मेरे पास आंसर कितना कितना देंगे जीरो देंगे, मैं रो वन के अगेंस्ट क्या कर रहा हूँ, रो वन के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, विस्तार करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोनों मेरे पास में क्या देंगे सर, जीरो देंगे आंसर, क्योंकि जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा जीरो आएगा। तो आंसर कौन देगा, ये देगा, और ये भी किस फॉर्म में देगा सर, ये इसकी डिटर्मिनेंट रहेगी है ना, यही तो मेरे पास में सवाल होगा, ये ए बी सी वन प्लस वन बाई ए वन बाई बी प्लस वन बाई सी, ये रहा ये वन ले लिया, अब इसकी डिटर्मिनेंट क्या है वन जीरो जीरो एंड वन। आप देख पा रहे हैं तीन बाई तीन को दो बाई दो में कन्वर्ट किया गया इस तरह से, अब इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आया वन आया, तो कुल मिला के और वन माइनस जीरो कितना हुआ सर वन रहा, कुल मिला के मेरे पास आंसर कितना आया सर ये रहा, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करने पे चेंज नहीं होने वाला। क्लियर है मेरी बात आई थिंक सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने पास उदाहरण नंबर 17 एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, समझ पाए, और सारे क्वेश्चन सेम टाइप के होते हैं लगभग, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। एक समीकरण दे रखा है बराबर जीरो को हल कीजिए। एक ध्यान रखिए, समीकरण को जब हल करते हैं ज्यादातर क्या होता है, सुनिए थोड़ा पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ एक्स के साथ कौन है ए है, यहाँ एक्स के साथ कौन है बी है, यहाँ एक्स के साथ कौन है सी है, मतलब हर बार एक्स के साथ में एक दूसरा वेरिएबल है। मैंने कहा ठीक है जी, अब देखो जहां पे एक्स के साथ ए है उसके अलावा क्या दे रखे हैं, बी और सी लिखे हैं, यदि बी था तो आगे सी और ए दे रखे हैं, यदि सी था तो ए और बी दे रखे हैं। तो क्यों ना समझो, अगर ये दोनों चीजें यहां आ जाए तो कितना बन जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों चीजों भी यहां आ जाए तो कितना बन जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और ये दोनों भी अगर ये फर्स्ट वाले पे आ जाए कितना बन जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो कर क्या रहे हैं, मैंने कहा कुछ मत करो यार, कॉलम वन पे जाओ और कॉलम वन में सिंपल सी बात है कॉलम टू और कॉलम थ्री को ऐड कर दो ताकि सारे नंबर सेम आ जाए, वन 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 बनने की कोशिश करे। तो इंपॉर्टेंट रहता है कि सर कैसे वन 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 या फिर वन जीरो जीरो पे पहुंचा जाए। ठीक है, दो ही बातें ध्यान रखनी है आपको, क्या तो एक या तो 111 रुपए शगुन की मान लो या फिर पुलिस को फोन करना आपको। ठीक है, कुल मिला के याद रखना है, कॉलम नंबर वन पे गए सबको ऐड किया गया, सुनिएगा क्या कॉलम टू में कोई चेंज होगा, नहीं, क्या कॉलम थ्री में कोई चेंज होगा, नहीं। सर कॉलम टू और कॉलम थ्री को एक बार लिख दे, सुरक्षित लिख लेते हैं, ये लिख दिया सर मैंने, सुरक्षित लिख दिया। अब मेरे पास क्या रहा, कॉलम ए में जब जोड़ेंगे तो ये एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये भी एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये भी एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। इंपॉर्टेंट बात क्या, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो के बराबर है। यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो के बराबर होती तो शुरुआत में पढ़ा था कहीं पे कि यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो और ये कुछ वैल्यूज रखने पे आपके पास में आंसर भी सेम आ रहा तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा सर, ये अपने पास उसके क्या होते हैं गुणनखंड होते हैं, उसके बेसिकली उसके फैक्टर होते हैं अपने पास। यदि ये उसके फैक्टर होते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, बस आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, हाँ कर सकते हैं। कॉलम वन में क्या दिख रहा है तुमको,
कॉलम वन में बड़ी प्यारी बात है सर, सारी चीज सेम आ गई। मैंने कहा जो सेम आता उसको बाहर निकाल लो, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी बाहर आया, एंड अदर वन लास्ट अंदर कितना बच गया, वन वन एंड वन। यहाँ बी एक्स प्लस बी एंड बी सी ए एंड एक्स प्लस सी रहा। तो मैं क्या करूंगा भैया इसके अंदर, ये मेरे पास में जीरो के बराबर है, तो इसको मैं क्या करूंगा सर, कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा यार वन 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 बन गया, अब तो वन जीरो जीरो भी बन जाएगा। यदि वन जीरो जीरो बनाने जाऊंगा मैं, यदि मैं वन जीरो जीरो बनाने जाऊंगा तो मेरे पास में क्या होगा, ये दंख देखने की कोशिश करें। वन जीरो जीरो में क्या होगा, मैंने कहा यहाँ पे वन रखो क्योंकि मुझे आसानी रहती है सॉल्व करने में। सर यहाँ जीरो कैसे बनेगा, मैंने कहा कोई बात, यहाँ जीरो बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये मेरे पास क्या रो टू है, ये क्या रो वन है, ये क्या है रो थ्री है। मुझे वन जीरो जीरो बनाना है तो वन तो यहाँ रहेगा, तो रो वन में कोई चेंज नहीं आया। मैंने कहा रो टू में जीरो बनाना है तो क्या करूंगा, रो टू माइनस रो वन कर दूंगा। मुझे रो थ्री में जीरो बनाना है तो क्या करूंगा, रो थ्री माइनस रो वन कर दूंगा। चलिए यहाँ एक बार ऊपर कर लेते हैं क्या बनने वाला है। ये बाहर वाला चीज बाहर रखें आप लोग, ये वन ऊपर वाला फर्स्ट में चेंज हुआ नहीं हुआ, सेकंड में चेंज होगा, हाँ होगा सर। वन में से वन गया जीरो, एक्स प्लस बी में से बी गया, कितना बच गया मेरे पास में, यहाँ पे एक्स बच गया एंड ए माइनस सी ये रहा मेरे पास। एंड द लास्ट वन मेरे पास में क्या आ रहा है, ये सुनते जाइए आप लोग। जब मैं आर थ्री में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, जब मैं आर थ्री में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास में क्या रहेगा, वन माइनस वन आएगा सर, तो ये जीरो बना। जब मैं बी माइनस बी करूंगा तो जीरो बनेगा, और जब मैं एक्स प्लस सी में से जब मैं सी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में, एक्स बनेगा। मैंने कहा ठीक है जी। अब ये दोनों तो मेरे पास में अगर कॉलम वन के अगेंस्ट अगर मैं करना चाहूंगा, ये दोनों मेरे को क्या देंगे, जीरो देंगे। तो ये जो वन है, इस वन से आपके पास में क्या बनेगा सर, वन से मेरे पास में क्या बनेगा सुनिएगा। ये जो बाहर लिखा हुआ था एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, वो तो अभी भी है, लिख दो एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी अभी भी है। और क्या है मेरे पास में, और क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है, ये वन है, वन के अगेन एक्सपेंड होगा तो मेरे पास में क्या बनेगा, वन एक्स जीरो ए और एक्स, ऐसा रहेगा सर, है ना, ये फिलहाल ऐसा रहेगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा मेरे पास कितना एक्स स्क्वायर आया, तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, और ये पूरी क्वांटिटी जीरो के बराबर थी। तो सुनिएगा बच्चों, सबसे ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। तो यार दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन जब जीरो के बराबर होता है, या तो फर्स्ट नंबर जीरो होगा या फिर फर्स्ट नंबर या फिर सेकेंड नंबर जीरो होगा, ठीक है। तो x बराबर या तो जीरो हो सकता है, मतलब x स्क्वायर बराबर जीरो होगा, या फिर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा। तो या तो x बराबर जीरो आया, या x बराबर माइनस ए माइनस बी और माइनस सी, मतलब कुल मिला के माइनस टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर, इस तरह से अपने पास में समीकरण के हल आ जाएंगे, मतलब समीकरण की x की वैल्यू आ जाएगी, क्या क्या आनी चाहिए थी। अब सर अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है वो जानने की करते हैं कोशिश। अगला क्वेश्चन अगर जानने की आप कोशिश करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, पहले वो मॉनिटराइज करें आप लोग। सर मॉनिटराइज कैसे करेंगे, कैसे मॉनिटराइज किया जा सकता है, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। या देखो दिस वन इक्वल्स टू दिस वन इक्वल्स टू दिस वन, ऐसा कुछ प्रूव करना है। कैसे प्रूव कर पाऊंगा नहीं पता सर, फिलहाल तो नहीं पता कैसे प्रूव करेंगे, फिलहाल नहीं पता। तो मैंने कहा यार ये जो एक्स वाई जेड दिख रहा है, कहीं यहाँ पे एक्स वाई जेड है क्या, नहीं है सर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है, मैंने कहा यहाँ है क्या, यहाँ है सर। यहाँ ये एक्स वाई जेड दिख रहा है, यहाँ कहीं एक्स वाई जेड दिख रहा है क्या, मैंने कहा नहीं है सर। तो एक काम करो यार, बहुत सिंपल सी बात है, मैं सबसे पहले वाली इसको मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूँ, इसको मैं सेकेंड नाम दे रहा हूँ, ठीक है। मैं फर्स्ट को उठा रहा हूँ, फर्स्ट को उठाया, ये रहा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई, ये रहा, देख पा रहे हैं आप लोग। अब सुनिएगा कि हाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है कहाँ नहीं आ रही है वो जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं जानते हैं क्या है क्या दिक्कत है। चलिए ढंग से देखें तो मेरे पास में ये क्या है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट चीज रिजॉल्व करें उसको। सर यहाँ आप देख पा रहे कॉलम नंबर वन में यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स की पावर टू है, पर यहाँ एक्स नहीं है। सेकेंड वाले में ऐसा ही है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ वाई नहीं है, यहाँ जेड है, यहाँ जेड स्क्वायर, यहाँ पर जेड का कोई पत्ता नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इस वाले में, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करवा लो यार। तो मैंने कहा सर x को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, x का क्यूब आएगा, ये एक्स वाई जेड आएगा, जिससे मल्टीप्लाई करा उसे डिवाइड भी कराना पड़ेगा। मैंने कहा यहाँ से y को डिवाइड करा दो, वाई स्क्वायर वाई का क्यूब एक्स वाई जेड, तो y को डिवाइड भी कराना पड़ेगा, जेड को मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्क्वायर जेड का क्यूब एक्स वाई जेड। मैंने कहा ठीक है सर, ऐसा बन गया मेरे पास बहुत सिंपली।
दिमाग लगाना बस आपको, क्या मेरे पास कमी आ रही है, क्वेश्चन में क्या कमी है वो देखो, एक्स वाई जेड आ गया। अब मैंने कहा यार देखो यार ये जैसा ये दिख रहा है वैसे शक्ल तो फोटो दिख नहीं रही है मुझे, तो मैं क्या करा एक्स वाई जेड को क्या कर सकता हूँ, ये मेरे पास में थर्ड वाली रो में क्या है सारा सेम है तो बाहर ले लिया। जैसे बाहर लिया ये एक्स वाई जेड बाहर आया, अंदर क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब, ये कितना हुआ 111। सर क्या फर्स्ट ये वाला सेकंड वाला और फर्स्ट वाला सेम दिख रहा है? मैंने कहा कत्ता ही नहीं दिख रहा, पर क्या अंदर की जो फोटो ये एक्स वाई जेड बाहर आया कट गया मेरे पास में बाकी सेम है। सर अंदर की जो फोटो है वो ऊपर नीचे है बाकी सब सेम, क्योंकि सर 111 ऊपर लाना है, तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है लाओ यार, इस वन को इधर ऊपर भेजा तो ये एक्स क्यूब वाले टर्म नीचे आए, एक बार चेंज करने पे एक बार माइनस आया, समझ रहे हो, तो ये एक्स क्यूब वाले टर्म नीचे आ गए, वाई क्यूब और जेड क्यूब नीचे आ गया। अब मैंने को अभी तसल्ली नहीं हुई, ये 111111 यहाँ आना चाहिए था, मैंने कहा एक बार और ट्रांसफर करो यार, तो मैंने कहा इस 111 को ऊपर ट्रांसफर किया तो जो एक्स स्क्वायर वाला था वाई स्क्वायर था वो जेड स्क्वायर नीचे आया तो एक और माइनस बाहर आया, तो ये 111 बाहर आ गया, माइनस इंटू माइनस के दावा प्लस हो गया 111 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड देन एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब मेरे पास ये रहा। तो सर ये मेरे पास ये सेम बना क्या? मैंने कहा एकदम सेम बना है, डिट्टो बना है, अब कुछ प्रूव करना है तो आपकी नजरें गड़ाई होनी चाहिए प्रूव पे, हमेशा नजरें कहाँ होनी चाहिए सर? हमारी प्रूव पे होनी चाहिए, कैसे चीजों को प्रूव किया जाए वो इंपॉर्टेंट मसला होना चाहिए। सर वो इंपॉर्टेंट मसला सॉल्व कैसे होगा? सर वो इंपॉर्टेंट मसला सॉल्व कैसे होगा आइए कोशिश करते हैं यार, अपन लोग मिलकर कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। तो ये जो लास्ट वाली बात दे रखी है इसको एक पेज पे अगली स्क्रीन पे लिखते हैं अपन लोग, चलिए कुछ दे रखा है 111 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है वाई स्क्वायर वाई क्यूब है जेड स्क्वायर जेड क्यूब है, कुछ प्रूव करना है ना, कुछ प्रूव करना है, प्रूव करना क्या है वो भी अपन देख लेंगे भैया, अभी अपन देखते हैं प्रूव मुझे क्या करना है। सर कुछ एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ऐसा कुछ प्रूव करना है। चलिए प्रूव कैसे करेंगे वो जानने की करते हैं कोशिश। जब मैं जानने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले दिख रहा है, मैंने आपको बोला यार जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो 111 दिखते ही 100 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। क्या कहा मैंने? 111 दिख जाए तो 100 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अब यार कैसे करें कोशिश इसको, है ना, कोशिश कैसे की जाए? अगर मैं 100 में कन्वर्ट करूँगा, समझो यार यदि मैं 100 में कन्वर्ट करूँगा तो मैंने कहा यहाँ तो 1 ही रखना है, यहाँ 0 बनाने की कोशिश और यहाँ 0 बनाने की कोशिश, तो कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉलम 3 में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो कॉलम 1 वैसा क्या वैसा 1 एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब है, सेकेंड वाला ये 0 बन गया, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो गया, ये 0 रहा, ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब रहा। सर मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये 100 आ गया, बहुत आसान रह गया मेरे पास में। चलो अब क्या है, जब मैं इसको खोलने की कोशिश करूंगा मेरे पास कितना आएगा, 1 के अगेंस्ट खुलेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस टाइम्स वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर ये क्या है? मैंने कहा यार अब ये बड़ा आसान है, ये लिखा हुआ वाई माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है मेरे पास में, सुनिएगा ये वाई माइनस एक्स इंटू लिखा हुआ वाई प्लस एक्स, ये लिखा हुआ है जेड माइनस एक्स इंटू लिखा हुआ है जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स, ये लिखा हुआ मेरे पास में वाई माइनस एक्स, ये माइनस बाहर रख रहा हूँ, ये कितना है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना सर मेरे पास में जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स है। मैंने कहा यार जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लो, सर यहाँ से जेड माइनस एक्स और यहाँ से जेड माइनस एक्स कॉमन आया, वाई माइनस एक्स और वाई माइनस एक्स कॉमन आया, चलिए यहाँ कहीं लिख लेते हैं एक बार, सर कौन कौन कॉमन आया है, वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स कॉमन आ गया है, सर यहाँ क्या रह गया वाई प्लस एक्स, देख पा रहे हो क्या रह गया वाई प्लस एक्स इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस है ना ऑलरेडी, यहाँ क्या रह गया सर, यहाँ रह गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जेड प्लस एक्स। अब सुनिएगा मेरी बात, दो चीजें तो आ गई जो चाहिए थी, वाई माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स, वो आ गया, मतलब वाई माइनस एक्स कुल मिला के माइनस का टाइम है वो अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं,
अब और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा और जनरली आपका आंसर आ जाएगा। आप थोड़ा सिंपल मल्टीप्लीकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, उससे आपका प्रॉपर आंसर आने के चांसेस है पूरे पूरे, और आई थिंक प्रॉपर आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो कैसे दिमाग लगाना था, बस वो दिमाग लगाना सोचना है, बाकी क्वेश्चन सारे आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, एक बार देख लेते, उदाहरण नंबर 18 अपन ने प्रीवियसली अपन ने क्वेश्चन नंबर 18 कर लिया था ढंग से। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है लॉग वॉक की बारी है। अब सर जब भी लॉग आता है तो लॉग क्या थोड़ा सा दिमाग लगवाने की कोशिश करता है, समझो इसको पढ़ते क्या है, लॉग बेस एक्स जेड या फिर लॉग जेड बेस एक्स, कुछ भी बोलो आपको जैसे ठीक लगे, लॉग बेस एक्स जेड ऐसा बोल दिया मैंने, क्या बोल देंगे लॉग बेस एक्स वाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, मैंने कहा यार ये जो वन होता है ना, ये वन जानबूझ के दे रखा होता है लॉग के अंदर, ये जो वन है ये जानबूझ के दे रखा होता है ताकि क्वेश्चन में दिमाग लगवाया जाए कि तुमको लॉग की क्या प्रॉपर्टी पता है। लॉग की एक सिंपल प्रॉपर्टी होती है लॉग बेस एम और एम, यदि ये बेस और ये नंबर सेम होता है तो आपका आंसर वन आता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि बेस और ये नंबर सेम होता है तो आपका आंसर कितना आता है, वन आता है। चलिए लिख लेते हैं बच्चों। अब सुनिएगा, इस वाली रो नंबर वन में ये बेस एक्स से यहां वाई है, बेस एक्स से यहां जेड है, किसकी कमी है, एक्स की कमी है, तो लॉग बेस एक्स एक्स लिख दिया, लॉग बेस एक्स वाई लिख दिया, लॉग बेस एक्स जेड लिख दिया। दूसरे वाले में लॉग क्या है, बेस वाई है, तो लॉग बेस वाई एक्स। सर यहाँ क्या है, यहाँ वन है और यहाँ वाई के साथ में जेड है, तो किसकी कमी है, वाई की कमी है, लॉग बेस वाई और वाई, लॉग बेस वाई जेड लिख दिया। एंड द लास्ट वन इज क्या है, लॉग बेस जेड, जेड के साथ में एक्स है, जेड के साथ में वाई है, किसकी कमी है, जेड की कमी है, तो लॉग बेस जेड जेड लिख दिया, लॉग बेस जेड वाई लिख दिया एंड लॉग बेस जेड एक्स लिख दिया। उसके बाद एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है लॉग की, यदि लॉग बेस ए बी लिखा हुआ है तो ऊपर वाला जो होता है वो अलग लिख लो, लॉग बी अलग लिख दिया जाएगा और नीचे वाला लॉग ए अलग लिख दिया जाएगा। इससे आप लॉग का जो मन चाहे वो बेस लिख सकते हो, किसी का मन करता है लॉग एक्स स्क्वायर लिख दो, एक्स स्क्वायर लिख दो, वाई लिखना है वाई लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जबकि नेचुरली तो आता है मेरे पास में यहाँ ई लिख देंगे अपन, है ना, नेचुरली आपके पास में क्या आता है, ई जो कि नेपियर कांस्टेंट, नेपियर का नियतांक 2.718 वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेटली 2.772 बोल देते हैं, ये एक इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, तो सुनिएगा ढंग से थोड़ा सा, इसको क्या लिखा जा सकता है, मैं ढंग से लिख रहा हूं, इसको लिख सकते हैं लॉग बेस एक्स अपॉन लॉग बेस एक्स, ये कितना आएगा, लॉग ऊपर वाला क्या आएगा, ऊपर अपॉन लॉग बेस एक्स, ये लॉग बेस जेड अपॉन लॉग बेस एक्स आया, क्लियर है। तो मेरे पास में दूसरी बात क्या बनी, लॉग बेस एक्स अपॉन लॉग बेस वाई, लॉग बेस वाई अपॉन लॉग बेस वाई, सॉरी बेस की बात है, लॉग नंबर वाई है, बेस तो अच्छा है आप ई ले सकते हो, है ना, लॉग नंबर जेड है और लॉग नंबर वाई है। तीसरी पंक्ति क्या आएगी सर, तीसरी आएगी ऊपर वाला, ऊपर लिखो लॉग एक्स और लॉग जेड, फिर क्या आया लॉग वाई अपॉन लॉग जेड, फिर कितना आया सर लॉग जेड अपॉन लॉग जेड आया। ठीक है, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कहा अभी आप क्या कॉमन ले सकते हैं वो देखो। सर क्या कॉमन लिया जा सकता है, सिंपल सी बात है, क्या कॉमन हो सकता है सर, कॉमन लेने का तो पता नहीं पर कैसे सिंपलीफाई करें वो पता है। मैंने कहा कैसे यार, मैंने कहा सर यहाँ पे सब जगह पे बेस सब जगह पे डिनोमिनेटर में कितना है लॉग एक्स है, तो यहाँ से पूरा लॉग एक्स बाहर लिया जा सकता है, यहाँ पे लॉग वाई बाहर लिया जा सकता है, यहाँ पे लॉग जेड बाहर ले सकते हैं, तो मैंने कहा log x ले लो, log y ले लो एंड log z ले लिया जाए। चलिए इसको थोड़ा आगे देखते हैं, आगे क्या बनेगा मेरे पास में, जब मैं log बेस x, log बेस y एंड log बेस log z में कॉमन लूंगा बाहर, तो अंदर कितना बन रहा है वो देखो। सर मैंने डिनोमिनेटर से लिया था, तो log x यहाँ है, log y यहाँ है, log z यहाँ है। सर यहाँ मेरे पास में क्या है, log y है या सॉरी यहाँ मेरे पास कौन है, लॉग एक्स आई हो, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, हाँ यहाँ लॉग एक्स है सर, यहाँ लॉग वाई है, यहाँ लॉग जेड है, अगेन यहाँ लॉग एक्स है, अगेन यहाँ लॉग वाई है, अगेन यहाँ लॉग जेड है। अब ये तो मेरे पास में क्या है, डायरेक्ट होता है सर, यदि कोई भी दो पंक्तियाँ समान आई है, इसमें तो तीनों ही पंक्तियाँ समान आ रही है,
दो पंक्तियां समान आते ही डिटरमिनेंट का आंसर कितना होता था? जीरो। तो दैट इज वाई इसका आंसर भी कितना हो गया? जीरो। क्लियर है? सॉल्व हो गया बहुत आसानी से। इसमें क्या था? कुछ नहीं था सर। चलिए इस क्वेश्चन को अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आगे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। आगे क्या बोलता है अपने को? आगे अपने को क्या बोलते हैं एक बार देखते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है मेरे पास में? ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ा इस पे एक स्टार लगा दीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है सर इंपॉर्टेंट? इसमें जल्दी से दिखता नहीं है सर कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना होता है। हल्का दिमाग है इसके अंदर, हल्का दिमाग का यूज करना है। हल्का दिमाग यूज करना मतलब आपको बहुत सिंपली वे में सोचना है क्या बन सकता है। सुनिएगा, ये बी प्लस सी का स्क्वायर है मतलब ए गायब है, ये सी प्लस ए का स्क्वायर है मतलब बी गायब है, ये ए प्लस बी का स्क्वायर है मतलब सी गायब है। अब जो गायब है उसको कहीं ना कहीं तो लाना पड़ेगा। समझो, जो यहां से गायब है वो इन दोनों जगह पे है, जो यहां से गायब है वो इन दोनों जगह पे है, और जो यहां से गायब है वो इन दोनों जगह पे है। मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं? सिंपल सा समझें, कॉलम वन है मेरे पास में, ये रहा कॉलम वन, कॉलम वन ये रहा कॉलम वन में से कॉलम थ्री सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा कर देंगे, जब कॉलम वन में से कॉलम थ्री सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां कॉलम वन में चेंज आया है ना। अब मैंने कहा इतना से पेट नहीं भरा, क्योंकि सर ये ए स्क्वायर सेम दिख रहा है तो क्यों ना इसको भी हटाने की कोशिश की जाए। तो मैंने कहा कॉलम टू में जाना और कॉलम टू में से कॉलम थ्री को सब्ट्रैक्ट कर लेना। मैंने कहा आओ भैया सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, थर्ड वाला सब्ट्रैक्ट किया, ये सेकंड वाला में गया तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, एंड द लास्ट वन इज ए स्क्वायर। फर्स्ट पे गया बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, थर्ड वाले से किया सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, लास्ट का बी स्क्वायर पड़ा। तो इस वाले को सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, ये सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, एंड दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये क्वांटिटी जीरो, ये क्वांटिटी जीरो रही। सर ये मेरे पास कितना हुआ? ये इसको आप मान लीजिए कैपिटल एक्स, ये मान लीजिए कैपिटल वाई। तो कैपिटल एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। चलिए एक्स कौन है? बी प्लस सी माइनस ए इंटू बी प्लस सी प्लस ए, ये रहेगा। यहाँ भी क्या रहेगा? सी प्लस ए माइनस बी। यहाँ कितना बनेगा? सी प्लस ए माइनस बी इंटू क्या आया? सी प्लस ए प्लस बी आया। क्लियर है मेरी बात? चलिए क्या बन रहा है एक बार देखते हैं, लिखते हैं एक बार, यहाँ लिख लेता हूँ। तो कितना बन गया? बी प्लस सी माइनस ए इंटू बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है जी, ये रहा जीरो, ये रहा ए स्क्वायर, ये रहा जीरो। ये कितना है सर मेरे पास में? सी प्लस बी माइनस ए, सॉरी सी प्लस ए माइनस बी, और मल्टीप्लाई में तो मैं नीचे लिख रहा हूँ साथ में सी प्लस ए प्लस बी। लास्ट में कितना है? बी स्क्वायर है। एंड द लास्ट क्वांटिटीज मेरे पास में कितनी है? सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मेरे पास ये कितना आया सर? ये भी सी माइनस ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए प्लस बी बना सर। सर ये भी मेरे पास में क्या बना? सेम बना। और ये मेरे पास में ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्लियर है मेरी बात? चलिए इसे थोड़ा सा आगे अगले वाले पेज पर देखते हैं। फर्स्ट वाला कितना बन रहा है? थोड़ा ढंग से लिखेंगे, बी प्लस सी माइनस ए इंटू बी प्लस सी प्लस ए है। ये जीरो था अगला वाला, एंड लास्ट वन इज माई ए स्क्वायर। यहाँ जीरो बना, फिर कितना बना सर मेरे पास में? सी प्लस ए माइनस बी इंटू सी प्लस ए प्लस बी, ऐसा है कुछ शायद। ठीक है, एंड लास्ट वन इज माई बी स्क्वायर। सर ये मेरे पास में ये कितना आएगा सर? ये देखते हैं, ये कितना आया था सर? ये कितना आया था अपने पास में? c माइनस ए प्लस बी, ऐसा कुछ आया था ना, c माइनस ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए प्लस बी। सेम यहाँ भी आएगा c माइनस ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए प्लस बी, और ये कितना आ गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? चलिए आप देख पा रहे हैं यहाँ a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ a प्लस बी प्लस सी सब में क्या आ रहा है? कॉमन। तो मैंने क्या किया? पहली वाली जगह से a प्लस बी प्लस सी दे दिया कॉमन, फर्स्ट वाले कॉलम से, क्योंकि सर यहाँ जीरो को डिवाइड करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, जीरो रहेगा सेम आंसर आएगा, क्योंकि जीरो क्या मल्टीप्लाई में b प्लस सी प्लस ए हो सकता है, हमें क्या मतलब, आंसर जीरो आना चाहिए था। सर यहाँ से देख पा रहे आप सेकंड वाले के अंदर भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, a प्लस बी प्लस सी, तो दो बार आया स्क्वायर बन गया। चलिए यहाँ कितना बनता हुआ दिख रहा है? b प्लस सी माइनस ए,
यहाँ जीरो है, यहाँ ए स्क्वायर है। ये जीरो, यहाँ कितना है सर, ये सी प्लस ए माइनस बी, और ये बी स्क्वायर। सर ये यहाँ कितना बच गया, सी माइनस ए प्लस बी, सी माइनस ए प्लस बी एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सर अब प्रूव क्या करना है, थोड़ा सा ये ध्यान दो, प्रूव क्या करना है उस पर जाते हैं। प्रूव करना है टू टाइम्स ऑफ ए बी सी, मतलब ए बी और सी का मल्टीप्लाई भी चाहिए, और क्या करना है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। सुनिएगा बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर तो आ चुका है, क्यूब लाना बाकी है, और क्या करना है अभी आपको ए इंटू बी इंटू सी ये लाना भी बाकी है। तो कैसे मल्टीप्लाई ला सकते हैं वो सोचने की कोशिश करेंगे आप लोग, और यदि आप वो सोच पाते हैं तो बेहतरीन रहेगा, यदि नहीं सोच पाते हैं तो आपको बस क्या थोड़ा सा डेवलप रखना है अपने आप को। सर कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, सोचिएगा कैसे किया जाए। यार एक सिंपल सा हिंट है, किसी को यदि आपको कुछ कॉमन लेना है यहाँ से, यदि आपको एबीसी बाहर चाहिए, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, यदि आपको एबीसी बाहर चाहिए, तो मैंने कहा यार फर्स्ट वाले से ए बाहर ले लो, सेकंड वाले से चाहो तो बी बाहर ले लो, थर्ड वाले से चाहो तो सी बाहर ले लो, ऐसे कैसे बाहर ले ले। अगर बाहर ले लिया तो जो बाहर लिया उसको अंदर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सुनिएगा, जो सिंपल सी बात, जिसको बाहर लेंगे मतलब जिसको मल्टीप्लाई करेंगे उसको डिवाइड भी करना पड़ता है। तो मैंने कहा हाँ, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया ए बी सी बाहर लिख दिया और अपॉन में ए बी सी लिख दिया। अब ये ए बी सी जो मेरे पास में है, मुझे ये तो बाहर चाहिए था मल्टीप्लाई में, तो ये ए बी सी कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। जब ये ए बी सी अंदर गया तो कितना बन गया सर, फर्स्ट वाले में क्या भेज दूंगा, फर्स्ट वाले में ए भेज दूंगा, क्योंकि ये जैसे ए भेजा कितना बन गया बी प्लस सी बाई ए माइनस वन, जीरो जीरो बाई ए तो हुआ, और ए स्क्वायर कितना हुआ, ए बन गया सर। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरे वाले में b भेज देंगे, जीरो रहा, कितना रहा मेरे पास में c प्लस ए बाई बी माइनस वन हुआ, और ये कितना बन गया, b बन गया। एंड थर्ड वाले में क्या भेज देंगे, c भेज देंगे, तो क्या बन गया वन माइनस ए प्लस बी बाई सी, वन माइनस ए प्लस बी बाई सी, एंड ये क्या आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई सी। चलिए अब करना क्या है सर, अब क्या करना है अपने पास में, अब सिंपल एक काम करो यार, सिंपली किसी को ऐड सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो, है ना, किसी कॉलम को किसी कॉलम से ऐड करने की कोशिश करो, और उससे इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा उससे। क्लियर है मेरी बात, उससे आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर, बस एक छोटा सा एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन करना है, और जैसे एक्सपेंशन करेंगे आप, आपके पास में आंसर आ जाएगा पूरा जो भी है। क्लियर है मेरी बात, आगे बढ़ते हैं अपन इसके बाद में। अगला एक और एग्जांपल है प्यारा सा, उस एग्जांपल को लेते हैं अपने अपने पास में क्या है, बहुत प्यारा एग्जांपल एक दे रखा है आपको। प्रूव दैट कि ये ए बी सी है, ये बी सी ए है एंड ये सी ए बी है। थोड़ा ढंग से इसको ऑब्जर्व करेंगे, इस पैटर्न को याद रखेंगे आप। ये टू बी सी माइनस ए स्क्वायर दे रखा, आगे सी स्क्वायर, आगे बी स्क्वायर, तो आगे यहाँ पर कितना दे रखा है, सी स्क्वायर टू ए सी माइनस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, फिर ये कितना हुआ बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, एंड लास्ट में देखा टू ए बी माइनस सी स्क्वायर, है ना सर। ये प्रूव दैट है, ये प्रूव करना है आपको, इसको प्रूव कीजिए। कैसे प्रूव करेंगे, और सर यहाँ देखा डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, पहले तो ये देखो ये ए बी सी था, अब ये सी डी आई उतरी वापस नीचे, तो क्या आया ये बी सी ए आया, और सी डी आई नीचे उतरी, मेरे पास में कितना आया सी ए बी आया। मैंने कहा सुनो ये इसका स्क्वायर है, मतलब डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ले लो यार लेफ्ट हैंड साइड। जब मैंने डिटरमिनेंट लिया, सुनिएगा ढंग से, डिटरमिनेंट अपन ने लिया ए बी सी, बी सी ए एंड सी ए बी, उसको सेम डिटरमिनेंट से कराएंगे ए बी सी, बी सी ए एंड सी ए बी, और मुझे फर्स्ट टर्म लानी कितनी है ये लानी। सोचो मैं अगर क्या कर सकता हूँ, दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, रो को रो से कर सकता हूं या रो को कॉलम से कर सकता हूं, देखना दोनों काम कर सकता हूं, पर क्या दोनों में ऐसा कुछ बन रहा है क्या, पहले वो जानने की कोशिश करेंगे। जब मैं रो को रो से करूंगा, है ना, इस वाले से करूंगा, ए को ए से किया ए स्क्वायर आया, बी को बी से किया बी स्क्वायर आया, सी को सी स्क्वायर आया, ऐसा चाहिए क्या, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सर, इसका मतलब क्लियर है। तो इस एबीसी को जब इस वाले एबीसी से करेंगे क्या बनेगा, सेम बनेगा। मैंने कहा ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान को जो चीज चाहिए वो तो 2bc माइनस ए स्क्वायर है, मतलब
ए का स्क्वायर होना चाहिए। मैंने कहा सर ये रहा ए का स्क्वायर आपका, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर उसके बाद क्या चाहिए मुझे, बी और सी दो बार चाहिए, मतलब बी इंटू सी और बी इंटू सी होना चाहिए। सर ये क्या तिकड़म, सर ये क्या तिकड़म है, ये देखने की कोशिश करते हैं। चलिए जानते हैं इसको कैसे करेंगे। अगर सिंपल अगर वे में अगर बताना चाहूं तो मेरे पास में सोचो, अगर ये बी इस सी से मल्टीप्लाई हो जाए और ये बी इस सी से मल्टीप्लाई हो जाए तो कैसा होगा। मैंने कहा बहुत शानदार, ये ए बी सी लिख दिया, ये बी सी ए लिख दिया, ये सी ए बी लिख दिया। तो क्या कर रहा हूं मैं, इसको कॉलम नंबर टू को कॉलम नंबर थ्री से इंटरचेंज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा यार ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर तो चाहिए ही चाहिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैसे मैं बी सी में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो अगर बी सी से मल्टीप्लाई हो जाए और सी बी से मल्टीप्लाई हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये बी अगर सी से मल्टीप्लाई होगा तो समझो ये सी को इधर लाना पड़ेगा, तो ये फर्स्ट वाला तो सेम है, जब सी को इधर लाया तो सी ये रहा, ए ये रहा, बी ये रहा, बी सी ए ये रहा, और एक बार चेंज किया तो ये माइनस के साथ आया। सुनिएगा, फर्स्ट वाली रो है, फर्स्ट वाली रो से करेंगे ए को ए से किया ए स्क्वायर आया जी, माइनस बाहर है ऑलरेडी। अब ये सिंपल एक थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, अब ये माइनस जो बाहर है वो तो कहीं भी जब चिपका सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद भी चिपका सकते हैं, पर यदि मल्टीप्लाई करने के बाद चिपकाओगे तो ये ए स्क्वायर और ये टू बी सी रहेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद चिपकाने पे माइनस दोनों के ऊपर लग जाएगा। मैंने कहा ना जी ना, दोनों पर नहीं लगाना है। तो मैंने कहा ये काम करता है, इस माइनस को या तो फर्स्ट वाली रो में या फिर सेकंड वाले पे लगा लेते हैं। मैंने कहा लगाओगे, तो कहां से बारी आई कि यार सर यहां 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 लगा लेते हैं, यहां लगा लेते हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो जैसे यहां लगाया आपने, ए को माइनस ए से किया माइनस का ए स्क्वायर, बी को सी से किया बी सी, और सी को बी से किया बी सी, तो कितना आया ट्वाइस और बी सी आया। मैंने कहा ये बात बन रही है। ए बी सी वाले को क्या करेंगे, दूसरे वाले से करेंगे, ए को माइनस बी से किया तो माइनस का ए बी बना, सी को ए से किया तो ए सी बना, और सी को ए से किया तो मेरे पास अगेन कितना बना ए सी बना, ऐसा बनेगा ऐसा। तो ऐसा आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे एंड करते जाएंगे, और आपके पास में इजीली सॉल्व हो जाएगा। दिस इज नॉट अ बिग डील, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी। क्लियर है मेरी बात? देखो यार बहुत ज़्यादा आसान आसान सी चीज़ें हैं इसके अंदर, अपने पास में कोई टफ बात है नहीं, तो बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है, इजीली ऑपरेट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, कोई ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्या दिक्कत ही नहीं है। मेन बात तो ये है, कुछ प्रॉब्लम हो तो अपन सोच सकते हैं कि हाँ सर प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे पास, समझो। अभी मैंने क्या किया था, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से कर दिया था, अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड रो से करेंगे, तो ए को माइनस बी से किया तो माइनस का ए भी आया, इस बी को इस ए से किया तो प्लस का ए बना, सी को सी से किया कितना आया सी स्क्वायर आया, ये से कट गया सी स्क्वायर, तो ये रहा सी स्क्वायर। इसको थर्ड वाले से करेंगे, ए को माइनस सी से माइनस ए सी, बी को बी से बी स्क्वायर, सी को सी ए से ए सी, तो ए सी और माइनस ए सी कट गया बी स्क्वायर आ गया, आया सर। वैसे सेकंड वाले में आएगा, वैसे थर्ड वाले में भी आएगा। चलिए सारे एग्जाम्पल यहीं पे मेरे पास में क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, एग्जाम्पल सारे खत्म हो जाते हैं। यदि एग्जाम्पल सारे खत्म हो गए तो अपन क्या करेंगे, आगे अपन चलेंगे कुछ और चीजों के ऊपर, एक ब्लैक स्क्रीन पे जाते हैं। अब सर क्या है, एक्सरसाइज पे जाते हैं, एक्सरसाइज 4.2। जैसा कि मैंने आपको समझाया है, आप इजीली सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, इसके सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे यदि आपने सोचने का तरीका समझ लिया है, यदि आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी है तो आप क्वेश्चंस को बना पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस तो बड़े आसान है यार, एक आध क्वेश्चन देख लेते सिंपल सा। अभी वाला बोल रहा है एल एम टू थ्री यदि जीरो है तो एल बाई एम या फिर एल रेशियो एम निकालिए। मैंने कहा क्या क्वेश्चन है यार ये बकवास सा, 2x2 की मैट्रिक्स है, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, 3l माइनस 2m कितना आया 0 आया, 3l बराबर कितना आया 2m आया, l बाई एम चाहिए, l बाई एम ये रहा, 3l बाई एम कितना आया 2 आया, मुझे l बाई एम चाहिए था, ये तो इसी किधर जाएगा इधर जाएगा, तो l बाई एम कितना आया 2/3 आया। मैंने कहा ये क्या था, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था यार, इसमें क्या था, कुछ नहीं था सर। और देखो यार सिंपल सिंपल और कुछ बहुत सारे प्रूफ्स हैं, उन प्रूफ्स को आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और सॉल्व करने के बाद में देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक और प्रूफ दैट है इसका, क्वेश्चन नंबर अच्छा क्वेश्चन है, 9th नंबर, इसीलिए आपके लिए। ये बी प्लस सी है सर, ये ए प्लस बी है और ये ए है, ये सी प्लस ए है, ये बी प्लस सी है, मेरे पास में ये बी है, फिर सर ये मेरे पास कितना है ए प्लस बी, ये सी प्लस ए एंड ये सी है। प्रूव करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc प्रूव करना है। चलिए समझिए, यदि ये वैल्यू इसके बराबर है,
चलिए यदि ये वैल्यू इसके बराबर है तो ये इसका आंसर क्या आना चाहिए था, ये जो होता है इसका आंसर a प्लस बी प्लस सी इंटू, और क्या होता है सर, इंटू क्या होता है मेरे पास में, इंटू क्या होता है मेरे पास में, समझो ढंग से सर, मेरे पास में यहां होता है कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। मैंने कहा हाँ श्योरली होता है, तो ये भी इसमें कन्वर्ट की जा सकती है। मैंने कहा हाँ कन्वर्ट की जा सकती है, कैसे कन्वर्ट करेंगे वो जाने पहले मैंने कहा यार आप पहले रो में देखो, है ना, रो में चेक करो, है ना, इस वाली रो में चेक करो, इस वाली रो में देखो यार ये बी प्लस सी है या ए प्लस बी है। यहां पे यदि ए प्लस सी होता तो मजा आ जाता, पर यहां नहीं है तो ए प्लस सी कहां। मैंने कहा यहां देखो यार इस कॉलम में देखो, कॉलम में मजा आ रहा है, हाँ सर कॉलम में अच्छा लग रहा है सर कॉलम में, यहां अगर मैं तीनों को जोड़ दू, इन तीनों को जोड़ दूं तो कैसा हो जाएगा, और जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो इन तीनों को भी जोड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्या करूं, रो वन में ही खड़ा रहूं और रो वन में ही रो टू प्लस रो थ्री जोड़ दूं। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जोड़ दिया सर। तो इस बी प्लस सी में जब सी प्लस ए जोड़ा तो कितना बन जाएगा, बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बना और ए प्लस बी, सारी चीज दो बार आ रही तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा, तो यहाँ आया ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ कितना बनेगा सर, यहाँ भी सेम बनेगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ कितना बनेगा, यहाँ बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, क्लियर है। यहाँ कितना रहा सी प्लस ए बी प्लस सी एंड दिस इज बी, ये ए प्लस बी, ये सी प्लस ए एंड ये रहा सी। सर ये a प्लस बी प्लस सी को कहाँ ला सकता हूँ, बाहर ला सकता हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया, a प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया, ये टू और ये कितना है वन, तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यार, यदि ये टू टू वन है तो मुझे तो वन जीरो जीरो चाहिए। अब देखो जीरो जीरो किसको बनाएंगे, इनको बनाएंगे जीरो यहाँ पे, क्यों सर ऐसा क्यों, क्योंकि यार समझो यार इस दो से आप बनाना चाहोगे एक तो आपको आधे से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और वाई टू मल्टीप्लाई विथ आधा, है ना, आधे से मल्टीप्लाई क्यों कराए, नहीं कराएंगे सर अपन लोग। तो क्या करेंगे, कॉलम वन पे जाऊंगा माइनस टाइम्स, ये कौन है कॉलम थ्री, तो टू टाइम्स ऑफ कॉलम थ्री करेंगे, अगेन कॉलम टू पे गए कॉलम टू माइनस क्या करेंगे ट्वाइस ऑफ कॉलम थ्री करेंगे। मैंने कहा सर बहुत सही है, एक बार लिख लेते हैं इसको कहीं भी अपन ट्वाइस, एक बार से देख लो, ए प्लस बी प्लस सी बाहर है, ये सी प्लस ए, ये बी प्लस सी और ये बी है, एक बार देख लेते हैं यार, ये a प्लस बी प्लस सी, ये रहा दो दो a, ये कितना है मेरे पास में, एक बार ढंग से देखने की कोशिश करते हैं, आओ यार ठीक है ऐसा कुछ चला गया एक्चुअली लगता है, बट कोई बात नहीं, जैसे मैंने समझाया आपको वैसा आप करेंगे तो आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इजीली आपका क्वेश्चन एक्सेसिबल हो जाएगा, है ना। चलिए एक बार देख लेते हैं उस क्वेश्चन को क्या है क्या नहीं था। हाँ ये ऐसा कुछ क्वेश्चन अपने पास में बना था, अरे जो सेकेंड वाला था वो मेरे पास में सी प्लस ए ही रह गया था, फिर बी प्लस सी था, फिर बी था एंड देन ए प्लस बी देन सी प्लस ए एंड देन सी था। मैंने क्या कहा यहाँ पे टू है तो इसको जीरो में कन्वर्ट करो, इसको जीरो में कन्वर्ट करो, तो सी वन पे गए, सी वन माइनस ट्वाइस ऑफ सी थ्री किया, सर ट्वाइस ऑफ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे वन है और अगर मुझे इसको जीरो बनाना है तो दो दो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सी टू पे चले जाओ, सी टू में से टू टाइम्स सी थ्री सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, जैसा आप कहते हैं गुरु जी वैसे करेंगे, एक ही तो बन गया सर मेरे पास में, थोड़ा ढंग से बनाएंगे आप लोग इसको, थोड़ा ढंग से बनेगा मेरे पास में इस तरह से। तो ये मेरे पास कितना बना, जीरो बना, ये भी जीरो बना और लास्ट वाला जो वो सेम रहेगा, वन बी सी लिख दिया सर, सी प्लस ए ये रहा माइनस टू बी किया करेंगे सर, तो सी प्लस ए माइनस टू बी सर, बी प्लस सी माइनस टू बी कितना बना मेरे पास में, सी माइनस बी बना, ये सी माइनस बी लिख दिया, यहां ले जाएंगे ए प्लस बी माइनस टू सी रहा, ये मेरे पास में कितना हो गया ए माइनस सी रहा मेरे पास में, यहां से आंसर आ जाएगा। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब क्या करेंगे सर, जीरो जीरो वन तो आ गया है तो ये दोनों मेरे पास आंसर कितना देंगे, जीरो देंगे। इस लास्ट वाले वन के लिए कैसे खुलेगा सर, इन दोनों को छोड़ देंगे और ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, मतलब प्लस के साथ खुलेगा, ए प्लस बी प्लस सी आया। क्या करेंगे इस वन से, वन के लिए मेरे पास में क्या डिटरमिनेंट आएगी, सी प्लस ए माइनस टू बी एंड सी माइनस बी, ये रहा ए प्लस बी माइनस टू सी एंड ये ए माइनस सी। बस सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें और इजीली आंसर आ जाएगा, आंसर आया और आंसर की वैल्यू जो है उसको लगा देनी है, क्वेश्चन इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा, आंसर डायरेक्टली आ जाएगा।
तो मैंने आपको सिखाया आज के वापस किस तरह चीजें सोचेंगे आप लोग, किस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि बड़ा ही एक इजी फॉर्मेट था। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। मैं कल आपको और भी बहुत बहुत बेहतरीन कुछ IIT के क्वेश्चन करेंगे इन सब के बाद में। 1 ω² ω³ दे रखा, ω³ 1 और ω दे रखा है, एंड ω² ω और 1 दे रखा है। इसका मान ज्ञात करें, है ना, वैल्यू फाइंड करनी है। सर ओमेगा क्या दे रखा आपको, इकाई का घनमूल है। सर ये इकाई का घनमूल क्या होता है, लास्ट ईयर आपने पढ़ा था कुछ x³ - 1 = 0। यहां से क्या आया था, x - 1 आया था, और x² + x + 1 आया था। यहां से आपका आंसर x = 1 आया था। यहां से पास आपके पास आंसर कितना आया था, x - 1 + कितना आया था आपके पास में, √3i/2 आया था। आया था क्या, एक को अपन ने ओमेगा, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर कहा था, क्योंकि एक का स्क्वायर करने में दूसरा वाला मिल रहा था। तो बन क्या रहता है, सुनना, 1 ω ω² उसके बाद रिपीट क्या होता है, ω³ की वैल्यू 1 है, ω⁴ रहती है, और ω⁵ क्या रहती है, ω² रहती है। वैसे ω⁶ कितनी रही, 1 रही, ω⁷ ये रही, ω⁸ ये रही। इसका मतलब क्या हुआ, याद रखें ω³ n जो होगा, मतलब 3 का मल्टीपल कितना रहेगा, 1 रहेगा, 3n + 1 कितना रहेगा, ये पीछे 1 लिखा हुआ था, मेरे पास कितना आया ω⁴ आया, और ω³ 3n + 2 कितना रहेगा, पीछे 2 लिखा हुआ, इतना आंसर कितना आएगा, ω² आएगा। सर यहाँ पीछे क्या लिखा हुआ, पीछे 0 लिखा हुआ, मतलब ω⁴ आया, मतलब कितना आया, 1 आया, बस क्लियर है। सर इसको जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो ω² वही रहा, और ये ω³ कितना आया, 1 आया, ये भी कितना आया, 1 आया। मैंने कहा अब क्या, अब तो बड़ा आसान है, ये लिखा हुआ 1 ω² ω² 1 और ω 1 ω 1 लिखा हुआ। मैंने कहा अब ये क्या, ये बड़ा आसान है यार, बहुत आसान है, अब इसको इजीली क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। एक्सपेंड कर दो या ढंग से इजीली सॉल्व हो जाएगा आपके पास में, ठीक है ना। एक्सपेंड कर दो या कुछ घटाने वटाने का मन कर रहा है वो कर लो, पर घटाने में आपको दिक्कत हो जाएगी, एक्सपेंड करो आसान रहेगा, बड़ा आसानी से आंसर आ जाएगा। सर कॉलम के अगेंस्ट या रो के अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट कर लो, सेम दिख रहा है आंसर, सेम ही आना चाहिए, क्योंकि है ना, जब आंसर चेंज नहीं होने वाला और क्वेश्चन टिपिकल भी नहीं है तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और मैंने आपको भी समझा भी दिया है क्या होना है, क्लियर है मेरी बात। तो यहाँ पे अपन अपना लेक्चर आज का एंड करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग उसके आगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट विविध के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और ये नेक्स्ट लेक्चर तक प्रोबेबली या उसके अगले लेक्चर तक खत्म हो जाएगा, मतलब परसों तक ये किसी भी थालीस में खत्म हो जाने वाला है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।